हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लॉगर अमित में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं लोन लेने के लिए। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि मैंने पहले भी सिबिल इंप्रूवमेंट के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की मुझे मेल आए, उन्होंने मुझे एक ही दिक्कत बताई, सर हम सिबिल तो इम्प्रूव करना चाहते हैं फ्यूचर में, बट उसके लिए हमें कम से कम एक साल का टाइम देना पड़ेगा। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट अगर आज के डेट पे है, अगर हम आज लोन लेना चाहते हैं कहीं से भी, तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं फ्यूचर में तो आप भी ये चीज़ को अप्लाई कर सकें। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि सिबिल स्कोर से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है आपके लोन लेने की कैपेसिटी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में कि कितने परसेंट लोन कौन से परसेंटेज में फॉल कर रहे हैं। बैंक क्या करती है, मैक्सिमम जो बैंक के लोन होते हैं वो 750 प्लस स्कोर जो होते हैं वहाँ पर आराम से डिस्बर्स हो जाते हैं। तो इससे तो एक बात साफ क्लियर होती है कि हमें एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करके हर समय रखना चाहिए। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, अगर आप कोई लोन लेने जाते हैं बैंक से और अगर आपका स्कोर आपने ऑलरेडी चेक किया है कि 800 प्लस है आपका स्कोर, तो आपको बैंक या NBFC इजीली आपको लोन मिल जाएगा, और वो भी एक अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट रेट पे। अगर आपका इंटरेस्ट रेट अगर होम लोन अगर आप चेक करते हैं, अगर आपने देखा है कि 8.5 का इंटरेस्ट रेट में आपको मिल रहा है होम लोन, तो आपको वहाँ पर एक इजीली में मिल जाएगा वहाँ पर। बट अगर आपका सिबिल स्कोर 750-800 के बीच में है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको तब भी वहाँ पर भी लोन मिल जाएगा, बट वहाँ पर क्या होगा कि आपके जो इंटरेस्ट रेट में आपको 0.5% या आपको 1% की वहाँ पर कम से कम आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आपके सिबिल स्कोर इस वे में काम करता है। बट जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर कम होते जाएगा, अगर आपका स्कोर और भी डाउन है, उससे भी 750 से भी डाउन है, तो आपके इंटरेस्ट रेट में वैसे वैसे आपकी बढ़ोतरी आती जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आती है लो देन 700 स्कोर पे। वहाँ पर मैक्सिमम बैंक क्या करती है, लोन ऑफर ही नहीं करती है, या अगर आप अप्लाई करने जाते हैं तो वो डिक्लाइन हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम 700 आपका क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका कहीं डिफ़ॉल्ट चल रहा हो या आपने कहीं सेटलमेंट करवाया हो, तो ऐसे केस में हम लोन कैसे लें, क्योंकि आपको आपने अप्लाई किया तो आपका लोन रिजेक्ट हो गया, आपने इधर से ट्राई किया, आपने वहाँ से ट्राई किया, बट आपका आपने छोटे मोटे ट्राई किए बट आपके रिजेक्ट हो गए लोन, तो आप ऐसे टाइम पे लोन कैसे लें। तो मैं आपको समझाता हूँ आप किस वे में और किस तरीके से ऐसे टाइम पे लोन ले सकते हैं। पहला, आप चाहिए तो लोन अपने जॉइंट अकाउंट पे ले लीजिए, जॉइंट अकाउंट बनाइए, आप लोन ले लीजिए, या तो आप अपने वाइफ के नाम पे लोन ले लीजिए। अगर आपका स्कोर अगर डाउन है, आपको नहीं मिल रहा है लोन, तो आप क्या करिए, आपके वाइफ के नाम पे लोन ले लीजिए, या आप जॉइंट लोन ले लीजिए, आपका नाम भी प्लस आपके वाइफ का नाम भी ऐड कर लीजिए, वहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है गारंटर ऐड करने का। अगर आप गारंटर के थ्रू आप लोन लेते हैं, अगर आप जाते हैं लोन लेने के लिए, ये बड़े बड़े लोन होते हैं, जब छोटे मोटे लोन की बात नहीं है, ये बड़े बड़े जब आप लोन ले जाते हैं, तो वहाँ पर बैंक आप जब अप्लाई करते हैं, अगर स्कोर में आपके आगे पीछे हैं, तो बैंक वहाँ पर आप अगर अपना गारंटर रखते हैं, गारंटर के थ्रू आप लोन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको एक लोन मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप या तो कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले लीजिए, या कोई रूरल जो भी रूरल बैंक गांव की बैंक होती हैं वहाँ से आप ले लीजिए, या तो छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के डेट पे बहुत हैं, आप उनसे फोन जो भी है लोन ले लीजिए। बट वहाँ पर आपको क्या होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई मिलेगा आपको। जो अगर आप देखेंगे नॉर्मल बैंक में इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, तो वहाँ पर अगर आप समझिए पर्सनल लोन आप लेने गए, आपको 12% इंटरेस्ट रेट है, तो वहाँ पर आपको एक 18% 16% 17% इस वे में आपको मिलेगा वहाँ पर लोन। चौथा आपके पास क्या है, चौथा ऑप्शन ये है आपके पास कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ पहले, क्योंकि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में आप समझिए आपके पास कुछ भी है तो आप ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी तौर पे आपने कुछ भी दे दिया तो आपको लोन मिल गया, ऐसा नहीं। वहाँ पर सिक्योरिटी में भी कुछ चीज़ें ही अलाउड हैं, जैसे आपने अगर आपकी FD चल रही है, अगर आपकी LIC पॉलिसी है, LIC अगर आपको देखेंगे तो आप अगर आपकी ऑलरेडी LIC है, तो LIC भी आपको खुद लोन ऑफर करती है, आप उस पर ले सकते हैं लोन। आपके पास गोल्ड है, आपके घर पे अगर आपने गोल्ड बनवा के पहले रखा है और आज के डेट पे आपकी सिविल ख़राब है बट आपके पास गोल्ड है, तो आप गोल्ड के थ्रू लोन ले सकते हैं। या आज के डेट पे
पीपीएफ अकाउंट आपने देखा होगा, पीपीएफ अकाउंट काफ़ी आज के डेट पे फेमस है, तो आप उसके थ्रू भी लोन ले सकते हैं। आपके पास ओडी अकाउंट के थ्रू लोन ले सकते हैं। तो ये सब आप एक सिक्योरिटी की अगर आप रखते हैं तो आपको एक लोन मिल जाएगा वहाँ से। अगर आपकी सिबिल ख़राब है और आपको आपने ये सब चीज़ आके सिक्योरिटी के हिसाब से आपने लोन लिया, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें सिबिल नहीं चेक होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये कोऑपरेटिव बैंक, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे छोटे जो है ना, ये सब आपकी सिबिल नहीं चेक करते, तो वहाँ पर इसलिए आपको लोन मिल जाते हैं। जो इम्प्रूव भी करता है ये जो क्रेडिट स्कोर जो है ना, वो आपका इम्प्रूव भी करता है आप, क्योंकि अगर आप कोई लोन ले लेते हैं, अगर आप समझिए FD से ले लिया, LIC ले लिया, या LIC से थ्रू ले लिया, या गोल्ड के थ्रू ले लिया, तो आपने अगर टाइम पर रिपेमेंट किया, क्योंकि आपने गोल्ड रखा है तो आपको टाइमली रिपेमेंट करना ही है क्योंकि आपका गोल्ड चला जाएगा, तो आप टाइम पर रिपेमेंट करते हैं तो आपका सिविल भी इम्प्रूव होता है वहाँ पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आपका सिविल ख़राब है तो आपको इम्प्रूव भी करने के लिए बेस्ट है ये चीज़। पाँचवा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप सैलरीड हैं तो आज की डेट पर क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं वो बहुत सारे बैंकों से टाइप होती हैं। अगर देखिए कि वो एक कंपनी बड़ी कंपनी है तो उनके सैलरीड अकाउंट रहते हैं, तो हर एक बैंक जो भी बैंक से उनका टाइप रहता है ऑलरेडी, आप उनसे लोन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप कंपनी के लेटर हेड पे देख के, कंपनी का लेटर हेड का एप्लीकेशन आप HR से अपने कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कंपनी का लेटर हेड ले लीजिए और लेके वहाँ पर अप्लाई करिए, आपको लोन बहुत ईजिली वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन वो एक छोटे छोटे लोन के लिए होता है। सिक्स ऑप्शन आपके पास है, प्राइवेट लेंडर से लोन लेना। आप प्राइवेट लेंडर मीन्स जो आपको नॉर्मल आपने देखे होंगे बहुत सारे, यहाँ प्राइवेट लेंडर में आपको क्या समझाऊँ कि जो आपको हाई रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, जैसे 10% पे आपको जो लोन दिया है उन्होंने, 10% पे आपको लोन देते हैं, पर ये मंथली बात कर रहा हूँ मैं, ईयरली नहीं बात कर रहा हूँ। ईयरली आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है, या कोई कोई ईयरली भी आपको देता है 36% इंटरेस्ट रेट पे, 24% इंटरेस्ट रेट पे, तो आप उनके थ्रू लोन ले सकते हैं, वो भी आपके सिबिल नहीं चेक करते हैं। सातवां ऑप्शन आपके पास, मैं एक ही बोलूँगा, आप अपना सिबिल इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि ये मैं आप ऑप्शन लास्ट में भी आपको इसलिए ला रहा हूँ कि इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बात है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।